और अब देखिए वाराणसी से हमारी खास पेशकश मोदी और भाईजान। काशी संसार का सबसे प्राचीन शहर, महादेव के त्रिशूल पर विराजमान एक भव्य और दिव्य नगरी। आज वही काशी देश की सियासी धुरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि है, जहां गंगा किनारे के तट और ये अद्भुत और ऐतिहासिक कॉरिडोर बदलाव के साक्षी है। लेकिन सवाल है, करवट लेते वक्त को काशी का मुसलमान किस तरह देख रहा है और मोदी सरकार के बारे में उसके दिल और दिमाग में किस तरह की हलचल है। नमस्कार, दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहर वाराणसी की इन कुंद गलियों से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 9 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद खासकर पूरे देश के साथ साथ वाराणसी का मुसलमान क्या सोचता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके 9 साल के कार्यकाल को लेकर, उनके वादों को लेकर, हम वाराणसी के इन कुंद गलियों से लेकर गली चौक चौराहों और मोहल्लों में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी के भाईजान क्या कुछ सोचते हैं प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल के बारे में। चलिए मेरे साथ, आपको लिए चलता हूं सफर। सबसे पहले हम वाराणसी में मुसलमानों की खासी आबादी वाले इलाके लल्लापुरा पहुंचे, जहां के लोग पेशे से बुनकर हैं और इनकी रोजी रोटी का जरिया भी यही हुनर है। वाराणसी के मुसलमानों की राय जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के घनी आबादी जहां पर मुसलमानों की रहती है, इसे लल्लापुरा कहा जाता है। और लल्लापुरा वो आबादी है जो बुनकरों का ज्यादा काम करती है, यानी जो भी बनारसी साड़ी बनकर जाती है वो इसी इलाके से सबसे ज्यादा बनकर जाती है और बड़ी आबादी रहती है। हासिम अंसारी साहब, आप इस इलाके के जाने माने शख्स हैं, सरदार आपको कहा जाता है, आप बताइए सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि वाराणसी का मुसलमान क्या सोचता है ये पूरा देश जानना चाहता है। कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी को? 9 साल के कार्यकाल में हम अपने प्रधानमंत्री जी को जितनी भी तारीफ करें कम है बनारस के लिए। बनारस में हम हैं, बनारस को हमने बखूबी हम रोज देख रहे हैं, तो आपके कार्य में कोई कमी हम नहीं पाए हैं। कहीं नरेंद्र मोदी को कितना मुसलमान पसंद करता है, जितना हिंदू पसंद करता है उतना मुसलमान पसंद करता है या कुछ कम पसंद करता है? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का मुसलमान जिसको कहा जाता है कि वो भाजपा विरोधी है, लेकिन आज की तारीख में मुसलमान अपनी कष्ट वाली बातें को, जो उसकी समस्या है, उसको मोदी जी तक पहुंचाना चाहता है। मोदी जी से कोई किसी प्रकार का नफरत नहीं है, नहीं बैर नहीं, कोई नफरत कोई बैर नहीं है। मोदी जी ने 9 साल के कार्यकाल में जितना काम किया है, वो एक कहावत है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ, सबका विकास, सबका भरोसा। सबका भरोसा हासिल किया है। कैसी चल रही है सरकार, केंद्र वाली, मोदी जी वाली? ठीक चल रही है सरकार, ठीक चल रही है सरकार, में कोई कमी नहीं है। खाली सबका साथ सबका विकास हुआ है या फिर सिर्फ हिंदुओं का विकास हुआ, मुसलमानों का कोई विकास नहीं? सबका विकास हुआ है, मगर समस्या इस समय बिजली के लिए, कि बुनकरों के लिए बहुत दिक्कत, वो एक समस्या है। लेकिन मोदी जी से कोई वैमनस, कोई बैर, कोई नफरत, कोई बैर, ऐसी बात जो प्रोजेक्ट किया जाता है चुनाव में कि इस देश का मुसलमान नरेंद्र मोदी से नफरत करता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी से कोई बैर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। कुछ काम हुआ बनारस में कि नहीं हुआ है? काम तो बहुत हुआ है। काम इतना हुआ है कि रोड से रोड, गली से गली जोड़ दिए, जितनी पुले बन गई आज तक नहीं हुआ था। जितना रोड का विकास हुआ कभी नहीं हुआ था। ये 9 साल के अंदर बहुत सारे विकास हुए हैं। ये काम हुआ है, काम हुआ है बनारस में? जी हाँ, विकास के नाम पे। किसने काम किया है? मोदी जी ने काम। ये बताइए कितना पसंद है या नापसंद है बीजेपी? बीजेपी के नाम पे पता नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नाम पे हमें पसंद है कि बनारस के कैनमे के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री भी, और हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि हम लोगों का बहुत गर्व भी आप कि हमारे कैनमे के क्षेत्र से एक सांसद है जो प्रधानमंत्री और देश के नहीं पूरे दुनिया के नामचीन हस्ती है। ऐसा कहा जाता है कि 2-3 काम 100 करोड़ की हिंदू आबादी के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसमें
वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर हो, या फिर भगवान श्रीराम का बन रहा अयोध्या में भव्य राम मंदिर हो, अपना नाम बताइए और इन तीनों काम को मुसलमान कैसे देखता है? नहीं, काम तो देखिए देश ही, वो अपने प्रशंसक के लिए कर रहे हैं, देश का विकास, इसे यहाँ कॉरिडोर बना तो इसे कॉरिडोर से टूरिज्म एक कारोबार को यहाँ बढ़ावा मिल रहा है, इसे दोनों फायदा उठा रहे हैं, यहाँ टूरिस्टों को भी मिल रहा है फायदा, मुसलमानों को कॉरिडोर से। अगर वाराणसी के जातीय गणित और सियासी इतिहास पर नजर डालें तो 17 लाख मतदाताओं वाली संसदीय सीट पर करीब 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। दिलचस्प है कि 17 आम चुनाव में यहां एक बार भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की। भारतीय जनता पार्टी जब से बरसर इख्तदार आई है दिल्ली में, इनके 9 साल के अरसे में हम ये देखते हैं कि 9 साल में इनके 9 मसाइल जो पूरे मुल्क के लिए उन्होंने पैदा कर दिए। ऐसे में जानना दिलचस्प है कि हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की मोदी विरोधी तकरीरों को लेकर यहाँ का मुसलमान क्या सोचता है। कहते हैं दिल्ली की सत्ता के गलियारे का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पावर गेट पूर्वांचल को माना जाता है, जहां 8 जिलों में करीब 45,000 बुनकर हैं। इनमें सबसे ज्यादा बुनकरों का बसेरा काशी है। ये बताइए, ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमान विरोधी हैं नरेंद्र मोदी मुसलमानों को नहीं पसंद करते, आपको कहीं ऐसा लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन कुछ अमल करने वाले नहीं दिखाते ना, पक्षपात लोग करते हैं, भेद पक्षपात करते हैं। तो ओवैसी साहब पे भरोसा है या नरेंद्र मोदी पे भरोसा है? अरे एकदम ओवैसी करते हैं ना, वो करते हैं, लेकिन बीच के लोग जो उनके कार्यकर्ता के मिस होते हैं वो तो गलत सलत बोलते हैं, वो गलत सलत, माहौल खराब होता है। अच्छा, माहौल कुछ लोग खराब करने के, मुसलमान क्या सोचता है नरेंद्र मोदी को लेकर, अच्छा सोचता है बुरा सोचता है? प्रधानमंत्री हमारे देश के, और क्या, उनको क्या अच्छा बुरा क्या, हमारे मंत्री है, आपके प्रधानमंत्री है। देखिए बड़ी बात कही आपने। चाचा क्या हाल चाल है, आदाब, क्या बना रहे, पान वन है, कैसी चल रही है दुकान? बहुत खराब चल रहा है, बहुत मद्दा है धंधा, लेकिन देख रहे पान पूरा सजाया हुआ, आपने माहौल बनाया हुआ एकदम एकदम प्रधानमंत्री जी के सुनल हुआ। कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, मुसलमान खुश है कि नहीं उनसे? हर आदमी खुश है, बनारस का मुसलमान खुश हो कि ना, सब खुश है। क्या बन रहा है, बिरयानी बन रही है क्या? चिकन बिरयानी, खुशबू देखिए, पहले एक बार दिखाइए जरा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या पैक कराए हो, क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। राहुल, अच्छा, और बिरयानी किसके यहाँ से खरीदे हो, आपका नाम क्या है? मोहम्मद काजी कैस। नामों खाने से मतलब, यही देखिए, यही हिंदुस्तान की सभ्यता है, राहुल को बिरयानी खाना है तो मोहम्मद काजी कहाँ आएंगे। नरेंद्र मोदी कैसे नेता हैं? सबसे पहले बनारस का मुसलमान काजी कैस साहब जो बिरयानी बेचते हैं मोहल्ले गलियों में, वो क्या सोचते हैं? भाई हमारी सोच ये है, जब से मोदी जी सरकार उनकी आई है या बनी हुई है सरकार, हमको उनको कोई भी अच्छा काम दिखा नहीं, हमारा रोजगार चला गया। इसके पहले मैं 2 भगोना बिरयानी बेचता था, आज 1 भगोना मैं नहीं बेच पाता हूँ, तो हमारे लिए परेशानी है ना। इसके पहले जो सरकार थी मैं 1,000 रुपए कमाता था, आज मैं 500 रुपए नहीं कमाता हूँ। देश के मुसलमानों को मोदी से परहेज तो नहीं है ना कि भाई प्रधानमंत्री बन गए तो हमको दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी 9 सालों में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा विकास हुआ है इन 9 सालों में। हमारी गली में जो है नाले सीवर बहुत ज्यादा बह रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है 9 साल में। भेदभाव हुआ है क्या? नहीं भाई, ये मुसलमानों का मोहरा, यहाँ विकास मत कराओ, यहाँ नालियाँ खुदवा दो, यहाँ सड़कें मत बनाओ, कुछ ऐसा हुआ है? काम सब जगह हुआ है, मुसलमानों को फायदा मिला है नरेंद्र मोदी के वाराणसी आने से? फायदा बहुत मिला है। ये लल्लापुरा इलाका है वाराणसी का, डेंस पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है, और वो आबादी क्या कह रही है वो आपको दिखाने की कोशिश। कुछ और इलाके, कुछ और चौक चौराहे मोहल्ले में वहां के मुसलमान क्या सोचते हैं, और कॉरिडोर चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, माँ उज्जैन का हो, या फिर भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर हो, उसको लेकर क्या सोच है, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। आज की तारीख में बनारस की 3 पहचान है, एक तो काशी विश्वनाथ मंदिर, दूसरा यहाँ के बुनकर, और तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। लेकिन बुनकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक अद्भुत रिश्ता है, कुछ परेशानियां भी हैं, उसी को समझने के लिए गलियों से होते हुए छोटी छोटी कोठरियों में चल रही हाथ की वो मशीनें जिनके जरिए बनारसी साड़ी बनाई जाती है,
वहां पर हम पहुंचे हैं और अंदर आपको लिए चलते हैं इस गुप्त अंधेरे के बीच में। देखिए मामूली सी रोशनी में कैसे ये कारीगर यहां पर बैठ के, कुछ हाथ वाली मशीनें हैं और कुछ हैंडलूम है। ये देखिए इस तरफ हाथ वाली मशीनें हैं जहां पर बनारसी साड़ी को बनाने की कोशिश की जा रही है। चचा बना रहे हैं साड़ी और लगभग 20 से 25 दिन में एक साड़ी बनती है। अच्छा, लेकिन ये जो बुनकर है बनारस का जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितना करीब है? अपना मानता है कि नहीं मानता? अपना मानते हैं, अपना मानते हैं मोदी जी को। कोई समस्या है नरेंद्र मोदी से? कोई समस्या नहीं है, सिर्फ महंगाई से। महंगाई से एक आम आदमी के जीने के लिए बहुत ज्यादा मुशक्कत है, वो एक समस्या है। लेकिन बनारस का कॉरिडोर बना, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, महाकाल का कॉरिडोर बना, महाकाल कॉरिडोर, भगवान श्री राम का मंदिर बना, इसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि देश का मुसलमान बहुत परेशान है, बहुत हैरान है, नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता। बनारस का मुसलमान क्या सोचता है? कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, उससे तो बिजनेस में बढ़ावा होगा। नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को आप कैसे देखते हैं? बहुत बेहतरीन। क्या बात कर रहे हैं? जितना भी कहेंगे कम। पिछली सरकार जितनी भी थी वो एकदम गीदड़ की तरीके से हिंदुस्तान को बना दिया था, लेकिन मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो वर्ल्ड में शेर की तरीके से, सोने की चिड़िया जिसको कहते थे, आज सोने के शेर जो है और सम्मान बढ़ा है। लेकिन जहाँ तक ये अपने बनारसी साड़ी और बुनकर की बात है, इसके लिए कुछ करने की अलग से आवश्यकता है। हाँ। और जहाँ तक सवाल है, और हाँ। तो मुस्लिमों का दुश्मन मोदी सरकार नहीं है। अच्छा। स्वयं मुस्लिम ही है। असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं ना आप? बिल्कुल। हाँ, वो तो कहते हैं बड़े मुसलमान परेशान है, हैरान है, बहुत रोजी रोटी चली गई, मार जाएंगे, दबा दिए जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी है कौन? पहले तो उनकी एक पार्टी है MIM, भाई वो भी एक नेता है, राजनेता। जैसे यहाँ तमाम ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं, तो वही तरीका असदुद्दीन ओवैसी साहब का काम है कि भाई उनको मुसलमान का वोट चाहिए, उनको मुसलमान का समर्थन चाहिए। तक वो मुसलमान के हक में भड़काएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो उनको उनका उनका जो सियासी फायदा है वो नहीं हो पाएगा। भेदभाव हो रहा है। हमें सिलेंडर मिला, कंट्रोल मिल रहा है, आटा मिल रहा है, सब मिल रहा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री और उनके नेता जो हैं, मुसलमान के पक्ष लेवे नहीं करते। नहीं तो योजनाएं तो मुसलमानों के लिए चलाते हैं। ये तो अलग मसला, ट्रिपल तलाक का मसला हो चाहे तमाम, ये मसला तो अलग है। लेकिन कभी स्टेट से बोलते नहीं मोदी जी। तो आप अपील करेंगे हमारे जरिए? हाँ, मुसलमानों का भी वोट मांग करिए। हमारे अक्षर मदनी ने यही कहा, मुसलमानों को मांगे वोट देंगे। मुसलमान वोट देने को तैयार है? तैयार है। और जारी हो जाएगा देवबंद साहब के? हाँ, अक्षर मदनी तो कहा है। मुसलमान डरा हुआ महसूस करता है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में? बिल्कुल नहीं, मुसलमान प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। आज देख लीजिए, अगर मुसलमान डरा होता तो आज जो है मुसलमान क्यों पार्टी में, आज देख लीजिए कि हमारी बीजेपी सरकार में तमाम मुसलमान वोट भी दे रहे हैं और पार्टी में जुड़ रहे हैं और उन टिकट भी मिल रहा है। टिकट भी दे रहे हैं निकाय चुनाव में, तो टिकट भी, अभी 370 टिकट मुसलमानों को दिया गया है। देखिए यही है, देखिए ये एक तस्वीर है जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कुछ और जगहों पर अभी चलेंगे क्योंकि पूरी वॉइसेस नहीं आई हैं, कुछ समस्याएं भी हैं, वो समस्याएं भी आना जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की स्वीकारता उनके वाराणसी के अल्पसंख्यक समाज कितना करता है, ये जानना बहुत आवश्यक है। चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए। हमारा इरादा अलग अलग इलाकों से मोदी को लेकर भाईजान की सोच को बारीकी से परखना है, इसलिए हमने मोहल्लों में बातचीत के बाद बाजार का रुख किया। तो देखिए बनारस के बाजारों में हैं और आम का मौसम है, खरीदारी चल रही है। नरेंद्र मोदी को एज ए प्रधानमंत्री कैसा नेता मानते हैं? अच्छा मानते हैं, एवरेज मानते हैं, बुरा मानते हैं? बढ़िया मानते हैं, ठीक आदमी, हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो अच्छा ही मानेंगे हम। लोग कहते हैं मुसलमानों को विरोधी है, वो मुसलमानों को पसंद नहीं, ये सब तो हमें नहीं मालूम। हम तो बजाते खुद हमसे बात कर रहे हैं ना। हम मुसलमानों की बात नहीं जान रहे, हम अपनी बात जान रहे। ठीक है मोदी जी, बढ़िया लगते हैं आपको? ठीक है, कहीं कोई भेदभाव तो नहीं? बहुत बढ़िया लगते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, साफ सुथरे हैं। कुछ और लोग हैं, एक बार मिठाई की दुकान में देखिए, ताजी ताजी मिठाई बन रही है और मिठाई की बहुत ज्यादा वैरायटी भी है। तो मोदी जी के राज में बनारस चमका है कि नहीं चमका? बहुत 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 चमका भैया। हाँ, बहुत बिक रही है। हम लोग सांसदीय क्षेत्र में है, हम लोग उन्हीं की जो है गुण गाना है हम लोगों को। हाँ, ठीक है। गर्व होता है कि जब लोग पूछते कहाँ से हैं और जब आप बनारस बताते हैं तो लोग कुछ अलग नजरिए से आपको देखते हैं और इज्जत देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देते हैं। वो हमारे क्षेत्र काशी क्षेत्र के जो है सांसद, वो जो है प्रधानमंत्री है। ठीक है, बिल्कुल। जी साहब ये बताइए क्या माहौल है बनारस में, बनारस का मुसलमान क्या सोच रहा है?
बनारस का मुसलमान क्या सोच रहा है, जो काम कर रहे हैं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। 2000